हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मास्टेक की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि अनऑडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड का क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड का रिजल्ट है, जो कि हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें, लैक्स में नंबर्स है। इनकम है 872.4 करोड़ का जून 24 में, 817 करोड़ का सितंबर 23 में, 770.3 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 755 करोड़ का जून 24 में, 718.4 करोड़ का और सितंबर 23 में 676 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है, लेकिन इस बार कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स में 11.7 करोड़ का गेन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 128.9 करोड़ का जून 24 में, 98.6 करोड़ का और सितंबर 23 में 90.2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का, अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट है 128.6 करोड़ का जून 24 में, 71.5 करोड़ का और सितंबर 23 में 65 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 41.22 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट नो डाउट गाइस इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि इनकम प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं सेगमेंट वाइज, तो यूके एंड यूरोप ऑपरेशन, नॉर्थ अमेरिका ऑपरेशन, AMEA, इन सभी रीजन से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर इनकम प्रॉफिट में इंक्रीज करती हुई देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में। तो कंपनी को जो गेन हुआ है ये हुआ है गाइस, इम्पेयरमेंट लगाया गया गुडविल और कस्टमर रिलेशनशिप पर 129.9 करोड़ का, और कंटिजेंट कंसिडरेशन रिवर्स किया है 141 करोड़ का। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो 11.7 करोड़ का इनकम हुआ है एक्सेप्शनल आइटम्स में। यही गाइस कंपनी का प्रॉफिट इंप्रूव किया। स्टैंडअलोन में इनकम है 182.9 करोड़ का जून 24 में, 117.5 करोड़ का और सितंबर 23 में 145.6 करोड़ का इनकम है। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 109.7 करोड़ का जून 24 में, 97.9 करोड़ का और सितंबर 23 में 93.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 73 करोड़ का जून 24 में, 19.5 करोड़ का सितंबर 23 में, 52 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 64 करोड़ का जून 24 में, 14 करोड़ का सितंबर 23 में, 47.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 20.51 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया, क्योंकि इनकम प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। इसका रिजल्ट आया 4:30 PM में, इसका रिजल्ट आया है 3049 रुपीज पे शेयर आज क्लोज किया, 2.1% का प्रॉफिट दिया है। 5 डे की बात करेंगे तो 9.4% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 13.7% का प्रॉफिट है। 7 अक्टूबर के बाद कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो गाइज अगर आप इसमें शेयर ले रखे तो आपको होल्ड कंटिन्यू कर सकते हो, आप इसमें एवरेज करते हैं एवरेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो में ही प्रिंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।